देखिए, इसमें जो लेटेस्ट लॉकडाउन ऑर्डर है बिहार सरकार का, भारत सरकार गाइडलाइंस को जो हम लोगों ने फॉलो किया है, उसमें 6 अगस्त तक सभी पब्लिक प्लेसेस जो हमारे हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, और भी जितने पब्लिक प्लेसेस हैं, उस पर कि दो तरह की एक्टिविटी, शादी और एक जो शोक समारोह होता है, उसको छोड़ के सारे एक्टिविटीज़ को बैन किया हुआ है। सभी मंदिर को बंद रखने का आदेश है 6 अगस्त तक। प्रोसेशन नहीं निकाले जा सकते हैं, ये अगले लॉकडाउन के ऑर्डर तक है। तो इसी आदेश का अनुपालन के क्रम में ये बात बहुत क्लियर है कि आगामी बकरीद और सावन में जो भी गतिविधियां होती हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होंगी। कोई भी एक्टिविटी मस्जिद में, जैसे सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाती है, वो नहीं होगी। और इसी तरीके से सावन के मेले में जो सोमवार को जलाभिषेक होता है मंदिरों में, वो नहीं होगा। घर में रह के ये सारे, जैसे पूर्व में भी, लास्ट ईयर भी ये कंडीशंस थी, उसी तरीके से सभी को मनाने की अपील की गई है, और इसका अक्षरशः अनुपालन कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में लगभग 250 पॉइंट्स पे 400 मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन हम लोगों के द्वारा कर दिया जाएगा। 21, 22, 23 तीन दिन लगातार रहेंगे वो लोग। इसके बाद आने वाले 25 तारीख से जो सावन का जो महीना स्टार्ट होगा, उसमें भी हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन करेंगे। और साथ ही साथ कई बड़े रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपील की है कि बकरीद को घर में ही रह के नमाज अदा करें, और पब्लिक प्लेसेस चूँकि बैंड हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए, तो कोई भी लोग उसको सार्वजनिक रूप से नहीं मनाएं। तो हमारी जिला प्रशासन की ओर से यही अपील रहेगी कि कोरोना गाइडलाइंस जो बिहार सरकार द्वारा 6 अगस्त तक दी गई है, उसके आलोक में जो भी आदेश या निर्देश दिए गए हैं, उसका अक्षरशः पालन करना है। सर, ये तो नमाज पूजा पाठ को लेकर भी हो गया, कुर्बानी को लेकर भी कुछ है क्या? सारा एक्टिविटी जो भी होगा, देखिए इसमें बहुत क्लियर है कि जो भी एक्टिविटी होगी वो घर में रह के जो हो सकती है वही होगी, बस। पब्लिक प्लेस पे किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होगा, किसी भी महोत्सव को लेकर या किसी भी पर्व को लेकर ध्यान में रखना है। ईदगाह में जाते हैं लोग नमाज पढ़ने वगैरह नहीं? नहीं, इसमें बैन किया हुआ है। वही ईदगाह जो, जैसे आपने बताया ना, वो पब्लिक प्लेस हो गया, तो पब्लिक प्लेस पे कोई भी कलेक्टिव एक्टिविटी जो सामूहिक रूप से की जाती है वो बैंड है, वो नहीं करना। राजनीतिक और सामाजिक, सारा राजनीतिक भी, धार्मिक भी। 6 अगस्त तक वही फॉलो होगा, लगभग 250 एग्जैक्ट आप लोग को प्रेस नोट में मिलेगा। सुरक्षा देखा जाता है कि शहर में कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कर लिया जाता है, लेकिन जो गांव का क्षेत्र है वहां पर पहले की तरह हो जाता है। देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक प्रशासन की तरफ से क्या पहल की जाती है वो भी है, और दूसरा ये जानकारी लोगों को भी रहती है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, हर आदमी के पास फ़ोन है, उनके माध्यम से जानकारी पहुँच जाती है। पहले एक समस्या होती थी कि जो जानकारी आती थी सरकार की तरफ से हमारे पास, हम उसको शांति समिति बैठक के माध्यम से वो चीज़ें दिया करते थे। अभी तो हम लोग वो चीज़ करते हैं, लेकिन लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहती है। तो आज की तारीख में अगर कोई कहता है कि ये जानकारी हमको नहीं थी कि इस तरह का आदेश अनुदेश आया है, तो हम लोग मानेंगे कि वो झूठ बोल रहा है। और ये चीज़ें उनको भी पता है स्पष्ट रूप से, इस सभी को जानकारी है क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए मैंने बता दिया, पिछले साल जो कंडीशन थी वैसी ही कंडीशन ये है, तो पिछले साल तो बहुत अच्छे से फॉलो किया है लोगों ने, इस बार भी उनको उसी तरीके से फॉलो करना है। और जो एक दो इवेंट्स जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ भी होता है, लेकिन ऐसे जो इवेंट्स लास्ट ईयर हुए हैं, तो वो हम लोगों के फोर्स मजिस्ट्रेट जिस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर पूरा हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का इवेंट ना हो पाए, इस तरह का कोई गतिविधि ना हो, हम लोग पूरा इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। सर, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से लाउड स्पीकर के द्वारा भी क्या? लाउड स्पीकर के माध्यम से देखिएगा, शहर में ये जो अपील की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट्स आए हैं, लोग जो पेपर पढ़ते हैं उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से आज भी कुछ अनाउंसमेंट्स करवाए जाएंगे, और दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश या निर्देश भी दिया गया है कि जो मस्जिद कमिटीज़ हैं उनके साथ भी आज बैठक कर लें। आज अगर नहीं कर सकते हैं तो कल 12 बजे तक कम से कम कर लें, और मस्जिद से इस आशय का अनाउंसमेंट भी करवा लें कि क्या अपील रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है।